नहीं एक्चुअली हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में नई हीरोइनें आए और बहुत क्यूट हीरोइन है मनी और मोहिनी घोष तो पहले भी कर चुकी है बट मनी बहुत प्यारी है और उसका भी वेलकम करेंगे हमारी इंडस्ट्री में और बहुत आगे बढ़े एक्शन भी बहुत कॉमेडी फिल्म है और रोमांटिक भी है आपको जब फिल्म आप जब हॉल में लगेगी और थिएटर में आप लोग जाएंगे तब शायद इसका अंदाजा लगेगा जी कितनी खूबसूरत आपको ट्रेलर देखकर कैसा लगा ट्रेलर की अगर बात करें ट्रेलर देख रहा था और कहते हैं जितने मैं ही नहीं केवल जितने लोग यहाँ बैठे उनकी आंखें नहीं सांसें बन गई ऐसे कर रहे थे बस आप लोग का प्यार है भोजपुरी में एक अलग मुझे लगता है जो लेकर आ रहे हैं बताइए आप मीडिया से डेली ट्रेलर और डेली फिल्म की लॉन्चिंग पे आप लोग जाते हैं और आप लोग को इतनी बेहद पसंद है तो मुझे लगता है जे क्योंकि आप लोग का अनुभव इतना ज़्यादा होता है कि आप हर जगह जाते हैं और आप पानी की तरह हैं तो पानी ही बता सकता है कि किस में किस बोतल में दारू है और किस में क्या है तो कहीं ना कहीं आपका अनुभव इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा होता है तो मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ आप सबके लिए मीडिया ग्रुप को कि आप लोग को ट्रेलर अच्छा लगा नहीं मैं स्टोरी देखता हूँ डायरेक्टर देखता हूँ लोकेशन देखता हूँ और साथ में हर उस चीज़ पे काम करता हूँ जो फिल्म के लिए हिट हुआ काजल के साथ मेरी फिल्म बाबरी मस्जिद रिलीज होने वाली थी जिसका नाम बदल गया जिसका नाम हम हिंदुस्तानी हो गया हम है हिंदुस्तानी जो कि 4 को रिलीज हो रही है 4 अगस्त को तो मेरी और कमाल की केमिस्ट्री कि मेरा नाम राम रहता है इनका नाम जान रहता है तो राम जान और फिल्म में हम है हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की मिट्टी की अनाज खाया हूँ ना भाई तो मैं कितना भी गद्दार क्यों ना हो जाऊँ लेकिन माँ की ममता कभी दूर नहीं हो सकती और मैं कितना हिंदुस्तानी हूँ ये मेरे काम में दिखता होगा और हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है ये हमारा काम ही बता सकता है बाकी नेचर के हर आदमी में क्या होता है क्या नहीं कोई मतलब नहीं देखिए सरकार में हम नहीं है समस्या ये है कि हम ऑडियंस की तरह है और हम इंटरटेन वाले लोग हैं हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता है हम एक इंटरटेनर लोगों के दिल पे राज करने वाले लोग सारे जी इंटरटेन की तरफ आते हैं हमने अभी देखा गाना देखा आपका तो आपने बहुत सारे हीरोइनों से आपने किस किया होगा स्विचिंग किया होगा इसमें अच्छा यार किस की बात करें तो सिर्फ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ लगे आप किस करने में जी मुझे किस कंफर्टेबल है ये नहीं मैं इस फिल्म में भी सोच नहीं किया है उसने सिर्फ ओठों को पकड़ा और मैंने कट करवा दिया क्योंकि मैं अपने फिल्मों में स्मोचिंग रखता ही नहीं क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है स्मोचिंग क्योंकि स्मोचिंग से फिल्म नहीं चलती है तो अगर स्मोचिंग से चलनी होती तो फिर इंसान ये फिल्म क्यों बिल्कुल नहीं किस करना एक पर्दे के सामने देखिए जो चीज़ें पर्दे में होनी चाहिए वो पर्दे से बाहर नहीं होना चाहिए और वो चीज़ें पर्दे में ही अच्छी लगती है और इंसान रोमांस ठीक है हमारा वो काम है हमारा पैसा है हमारी रोजी रोटी है करते हैं तो करता है लेकिन क्या करें हमारी वो मजबूरी होती है उसका सीन का रिक्वायरमेंट होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम ओठों में ओठ पकड़ के ही सिनेमा करेंगे कोई ज़रूरी नहीं हम बस कवर करते हैं वो लग जाता है इंसान नहीं किसी अभी काजल जी।